नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अब बात मध्य प्रदेश चुनावों की करूंगी, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में तमाम पार्टियां जो हैं वो उतर चुकी हैं। और इसी बीच बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कार्यकर्ताओं तक, तमाम बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में इस वक्त मौजूद हैं और ताबड़तोड़ रैलियाँ और ताबड़तोड़ सभाएँ तमाम नेताओं की ओर से की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि कौन कौन से बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी बाजी जीतने के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी समेत अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज सियासी रण में उतार दी है। और पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करके बीजेपी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने में जुटे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को एक सप्ताह में चौथी बार मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और पीएम अलग अलग जिलों में 3 विधानसभा में धुआंधार प्रचार कर बीजेपी को जिताने की आधारशिला रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दमोह, गुना और मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे और हर तरह पीएम मोदी बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के सियासी समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। पहली रैली दमोह में, उसके बाद दूसरी रैली गुना और आखिर में शाम को 4:15 बजे के करीब मुरैना में संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आएंगे। तो मुरैना से ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों पर जीत का मंत्र देंगे। तो दमोह से मुरैना से ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों पर जीत का मंत्र देंगे। तो दमोह से बुंदेलखंड पर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की कवायद करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसी के साथ आपको बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी का साल भर के भीतर मध्य प्रदेश का ये 14वां दौरा है और जबकि एक सप्ताह में चौथा दौरा है। पिछले 9 दिनों में उन्होंने प्रदेश में 10 जनसभाएं की और एक रोड शो किया। और मोदी 4 नवंबर को रतलाम में, 5 नवंबर को सिवनी मालवा में और 7 नवंबर को सीधी में जनसभा को संबोधित करते नजर आए और अब दमोह और गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए मुरैना पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजनीतिक पंडित भी मानते हैं और इसी के साथ वो वहां के सियासी रुख को अपने भाषाओं के जरिए बदलने की ताकत भी रखते हैं। यूपी से लेकर गुजरात तक में पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैली और रोड शो के जरिए बीजेपी को सत्ता में वापस करने के लिए जुटे हुए हैं।